दूसरा मुकाबला देखिएगा, जो नाइजीरियाई लड़की अभी जो पिक्चर स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी, ये निश्चित तौर पर यहाँ बहुत बड़ा कमाल करेंगी, क्योंकि ये एक ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने सोफिया मेडसन से वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 या 3 अंकों की शानदार बढ़त हासिल की थी और वो अब इस मुकाबले में उतरेंगी और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर वो फेवरेट इस मुकाबले की। मुंबई गरुड़ा के लिए अगर वापसी करनी है और दोनों ही रेसलर्स फिलहाल आते हुए, और दिलचस्प रहेगा क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव रहेगा मुंबई गरुड़ा की टीम के ऊपर। अजय, अगर दर्शकों ने सोचा है कि मेंस रेसलिंग में ही सारा एक्शन सारा ड्रामा दिखता है, तो वेट टिल यू सी आर वुमेन रेसलर्स। ज्यादा प्रॉमिस नहीं करती, लेकिन दुगना एक्शन और दुगना जज्बा वही रिंग में नजर आने वाला है। नाइजीरिया की ओडुनायो अदेकुरायो मुंबई की रेसलर है और पंजाब की टीम से 21 वर्षीय प्रियंका फोगाट। मैच रेफरी वीरेंद्र मलिक। इस तरह से मुकाबले का ये शुभारंभ हुआ। अफ्रीकी चैंपियनशिप की जो साल हुई थी उसमें स्वर्ण पदक विजेता है, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता, वर्ल्ड नंबर 3 है और कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 की कांस्य पदक विजेता और 2014 में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। लॉस वेगास में वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल हुआ था ओडुनायो को। नाइजीरिया की 22 वर्षीय 17 लाख रुपए इनका इस कीमत पर मुंबई टीम ने उनको अपनी पक्ष में अपनी टीम की तरफ से खिलाया है और उनके सामने प्रियंका फोगाट जो कि 7 लाख रुपए में अपनी टीम में उनको शामिल किया गया था। अजय, ये इंटरेस्टिंग है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप की 2013 की और 2008 में वो भाग ले चुकी है प्रियंका फोगाट, लेकिन उनका पदक नहीं था। जी हाँ, और मनोज जी अगर आप रीच की बात करें, जो लंबे कद की है वो एडिक्यूरे हैं, तो कहीं ना कहीं जो रीच है उसका इस्तेमाल करती है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है शिकंजा मजबूत कर लिया है, पकड़ बना लिया यहाँ पे और कहीं ना कहीं गिरफ्त वहां पे होती हुई बहुत ही बढ़िया। देखिए किस प्रकार अभी संतुलन पूरी तरह से ही बैठा नहीं है, पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है पकड़ बना ली है और अपनी रीच का अच्छा इस्तेमाल करती हुई। अजय, आपने ठीक पॉइंट आउट किया, हाइट का पूरा इस्तेमाल कर रही है, प्रियंका को मैट पर ले आई है। पहले अंक तो डेफिनेटली उन्होंने गेन कर लिए हैं इस मूव के साथ। प्रियंका हालांकि कोशिश बहुत कर रही है मनोज वापसी लेने की, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग नाइजीरियन खिलाड़ी। जी हाँ, दाहिने पाँव को उन्होंने अपनी गिरफ्त में रखा हुआ था जिससे 2 पॉइंट उनको मिल सकते थे, लेकिन जो उन्होंने पकड़ बना रखी थी दाएं पाँव की, उससे निश्चित तौर पे तारीफ की हकदार है प्रियंका फोगाट। फिलहाल 2 ही अंक है, यदि वो पकड़ ना होती तो निश्चित तौर पर अब तक ये बढ़त बनती हुई और निश्चित मैं कहूंगा कि ये 4-0 की बढ़त अब तक हो गई होती। बहुत अच्छा डिफेंसिव मूव प्रियंका द्वारा। एक बार फिर न्यूट्रल पोजीशन में आती हुई है आप दोनों ही खिलाड़ी रेसलर्स, कहीं ना कहीं आप 2 अंकों की मजबूत बढ़त याद रखिए। 1 मिनट लगभग 45 सेकंड का खेल हो चुका है इस मुकाबले में, बहुत ही दिलचस्प बहुत ही रोमांचक बड़ा स्टेज है, विश्व भर की नजरें इस मुकाबले के ऊपर है, इस लीग के ऊपर है। विमेन रेसलिंग को देखने का मौका भारतीय दर्शकों को इस स्टेज पर शायद पहली बार प्रो रेसलिंग लीग प्रोवाइड कर रहा है। विश्व में कहीं पर भी पहली बार ऐसे किसी रेसलिंग मुकाबले का आयोजन किया जा रहा है और नाइजीरिया की खिलाड़ी स्ट्रॉन्गर ऑफ द 2 रेसलर्स अभी तक इमर्ज हुई है। प्रियंका फोगाट फिर से मुसीबत में, पहले पट लगाया था खूबसूरती के साथ, फिर खेमे की पोजीशन पर पीछे आई थी और खूबसूरती के साथ ये डेंजर पोजीशन, और यहाँ चितपट के आधार पर देखना है फैसला हो पाता है अथवा नहीं। बहुत ही मजबूत स्थिति में इस समय नाइजीरियाई खिलाड़ी, लेकिन बहुत अच्छी पकड़ का दोबारा से प्रदर्शन किया था, बढ़त को नहीं बढ़ने दिया उन्होंने और यहाँ डेंजर की पोजीशन, और इस बार एक बार फिर से ये गदा लोड करने की कोशिश की थी इस बार, लेकिन बाल बाल बची और वही अपना मौका ताड़ा था। और यहाँ देख रहे हैं कुंदे उठाती हैं अथवा भारंदाज लगाती है, फिलहाल कुंदे की उन्होंने ग्रिप बना रखी है। 2 अंक उन्होंने गदा लोड से बटोरे थे, अंक बढ़त को कम किया था 2 के मुकाबले 4 अंकों से आगे मुंबई की पहलवान। जी तारीफ करनी होगी प्रियंका की भी, जिस प्रकार वापसी की, 2 अंक उनके नाम भी, एक बार फिर से अब न्यूट्रल पोजीशन में। ज्यादा समय नहीं है इस पहले राउंड में, लगभग समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ। जी जान से दोनों ही खिलाड़ी खेल रहे हैं फिलहाल। पंजाब की टीम के पास 2 अंक है, मुंबई के पास 4 और पहला बाउट खत्म हो ही गया समझिए 3 मिनट। जी हाँ, पहला बाउट मुंबई की टीम के नाम। प्रो रेसिंग लीग 2015 डे 1 पहला मुकाबला पंजाब रॉयल्स वर्सेस मुंबई गरुड़। पहला बाउट थोड़ी देर पहले हमने देखा कि पंजाब की टीम 2 अंकों से पीछे है, मुंबई गरुड़ 4 और प्रियंका फोगाट इस बार कुछ एक मिशन के साथ उतरी है, कोशिश कर रही है वापसी की। जी हाँ बिल्कुल, वापसी की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन लेग
पर कहीं ना कहीं मात खा रही हैं और यहाँ पर अपना मौका दौड़ा था बट लगातार खूबसूरती के साथ पीछे आई थी और निश्चित तौर पर जैसे ही नियमानुसार दो घुटने मैट पर लगते हैं, कोहनी लगती है, उस पर दो अंक दो दो करके उन्होंने दो अंक बटोरे थे। फीतले बांधने की कोशिश कर रही है, 8-2 से आगे है इस मुकाबले में और फीतले के लिए उठाना पड़ता है, लिफ्ट करना पड़ता है, लेकिन फिलहाल 8-2 से ही संतुष्ट। जी यार मनोज जी, सबसे जरूरी चीज है लगभग 30 सेकंड में ही दूसरे राउंड में उन्होंने पकड़ बना ली है क्योंकि जो लीड है, जो बढ़त है अब 6 अंकों की है उनके पास, तो एक अच्छी बढ़त उनको मिल चुकी है। दूसरा राउंड चलता हुआ, याद रखिए आखिरी राउंड है, 3-3 मिनट के दो राउंड और वो रहेगा बाउट का समय, और कहना कि जो बढ़त बना लिया वो बहुत मजबूत, यहां से फिर से आक्रमण करती हुई और बिल्कुल भी डिफेंसिव कोई टैक्टिक्स अपना नहीं रही है। नाइजीरिया के खिलाड़ी बिल्कुल भी टेंशन में नहीं है, उन्हें पता है उनके पास अच्छी खासी बढ़त है, 8 अंकों के मुकाबले प्रियंका के पास सिर्फ 2 हैं और कुछ और अंक अभी उन्होंने हासिल किए होंगे प्रियंका ने इस मूव के साथ। देखिए ये खेमे की पोजीशन से उन्होंने धकेला जरूर था, जो कि लक्ष्मण रेखा होती है, ये पीले जो आप जोन, पीला जोन जो देख रहे हैं, इसको लांघने का मतलब है कि अंक गवाना, लेकिन यहाँ स्टैंडिंग पोजीशन में क्योंकि बाहर अंक पाओ नहीं गया था इसलिए अंक नहीं दिया गया, यदि ये स्टैंडिंग पोजीशन होती तो निश्चित तौर पर वो अंक गवाती। कोशिश की थी प्रियंका ने, अंक नहीं मिले वहां पर और अभी बहुत खतरे में है पंजाब की टीम, के पास सिर्फ 2 अंक हैं, मुंबई के पास 8 हैं। फाइनल राउंड है ये इस मुकाबले का, ओदुनायो पूरी तरह से ग्रिप बनाए हुए हैं इस मुकाबले पर। अगर एडिक्यूर ये मुकाबला जीतती है तो ये जो अभी मुकाबला है ये 1-1 पे हो जाएगा। याद रखिए पहले मैच में व्लादिमीर ने बहुत बढ़िया जीत दर्ज की थी और एक अच्छे मैच में राहुल अवारे को हराया था, तो कहीं ना कहीं लगता है ये अहम मुकाबला है मुंबई गरुड़ा के लिए और ऐसा लग रहा है कि पकड़ बहुत मजबूत है क्योंकि जो अंतर है अब वो 6 अंकों का है, 8-2 से आगे मुंबई की टीम। अजय आपने एक चीज गौर की होगी कि यहाँ पाओ के बीच में बहुत लंबा फासला किया था और इस बार पीछे आई थी खूबसूरती के साथ और निश्चित तौर पर उनको अंक मिलने चाहिए और यहाँ ये देखिए 2 अंक उनको मिले और बढ़त को कर दिया है, 8 अंकों की बढ़त हो गई है और अब उन पर तकनीकी फॉल का खतरा मंडराता हुआ और नियमानुसार यदि 10 अंकों का फासला हो जाए दोनों पहलवानों के बीच में वही मुकाबले को रुकवा दिया जाता है, उसे कहते हैं टेक्निकल फॉल। यार मनोज जी जो पहले अभी अंक मिले हैं इससे पूर्व जो मिले हैं वो 2 अंक का ग्राउंड पोजीशन की वजह से, और कहना कि अब देखिए जो फासला है बढ़ ही जा रहा है और ये ऐसा अंतर है कि याद रखना होगा पंजाब की टीम को कि दिल्ली अब बहुत दूर है, यहाँ से वापसी करना समय ज्यादा नहीं है, मात्र 19-20 सेकंड बचे हुए हैं तो यहाँ से वापसी करना बहुत कठिन, वापसी लगभग नामुमकिन प्रियंका फोगाट के लिए। यहाँ से पंजाब की खिलाड़ी बहुत खतरे में है, बहुत ज़्यादा पीछे हो गई हैं और ओडुनायो अडेकुरोयो बिल्कुल भी उन्हें मौका नहीं दे रही थी, हालांकि फिर से कोशिश की। जी हाँ बिल्कुल, पैरों के बीच में बहुत बड़ा फासला उन्होंने रखा था और यही वजह थी क्योंकि लेग पर अटैक करने में वो बहुत ही माहिर और सिद्धस्त मानी जाती हैं और यही उन्होंने किया, यही एक मुकाबले का सबसे बड़ा आकर्षण रहा क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन पर उन्होंने जो ग्राउंड जो पाओ पर उन्होंने जो मूवमेंट की थी और उसके फलस्वरूप उनको ये विजयश्री हासिल हुई, शानदार तरीके से विजय और दोनों ही टीमें अब 1-1 से बराबरी पर। जी हाँ बिल्कुल, बहुत शानदार जीत एडिक्यूरे के लिए और अपना हाथ खड़ा करती हुई और निश्चित तौर पे एक बड़ी जीत क्योंकि वापसी की है यहाँ पे अब मुंबई की टीम ने और एक बहुत बढ़िया यहाँ पे मुकाबला खेला है, दूसरा बाउट नाम रहता हुआ मुंबई गरुड़ा के। तो फिलहाल लेते हैं ब्रेक और वापस आएंगे तीसरे बाउट के लिए।